आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में आज ये क्लास 3 होगी, जो कि सबसे ओल्डेस्ट जो आपका पीडीएफ था, जिसे हमने ओल्ड इज गोल्ड नाम दिया है, उसकी क्लास है। एंड फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आप सभी के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दो क्लासेस पहले हो चुकी हैं, अगर उनको आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। दोनों में 50-50 क्वेश्चन थे और ये सभी फर्स्ट ईयर और एक वर्षीय जितने ट्रेड होते हैं, चाहे नॉन टेक्निकल या टेक्निकल ट्रेड हो, सभी के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही इस बार के एग्जाम में भी आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन एंड आंसर्स। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा हम करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप लोग टेक स्टडी आईटीआई फैमिली से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसी सभी अपडेट और पीडीएफ के लिए आप लोग टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। 20,000 से ज़्यादा छात्र वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप लोग भी उसका एक हिस्सा बनिए। आने वाले टाइम में जॉब की अप्रेंटिसिप की जो भी अपडेट होगी आप लोगों की, वो भी वहाँ पर हम देते रहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101 है यहाँ पे, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। यहाँ पे पिच ऑफ वॉइस यानी आवाज़ की जो पिच है उसका उठना और गिरना क्या कहलाता है? वॉवेल यानी स्वर, इंटोनेशन यानी कॉन्सोनेंट, या प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण। तो उसको हम लोग कहते हैं इंटोनेशन। जो आवाज़ की पिच होती ना, जो उठती एंड गिरती है, उसे क्या कहते हैं? इंटोनेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडेवर इज कॉल्ड। यहाँ पे मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एथिक्स। क्या कहते हैं? एथिक्स यानी नैतिकता एक तरह से होती है, या इसी को आचार विचार भी कहा जाता है, यानी क्या सही है क्या गलत है। आदमी कहता है नैतिक आदमी या ये अनैतिक आदमी है। ठीक है, तो उसी को एथिक्स कहते हैं या उसी को आचार विचार कहते हैं, सही और गलत की जो स्टडी की जाती है उसी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने में क्या कमी है, यानी ड्रॉबैक क्या है, रोल प्लेइंग का ड्रॉबैक क्या है? बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बनाता है, डेवलप्स लिसनिंग स्किल, सुनने का कौशल विकसित करता है, डोंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता, या डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, रचनात्मक समस्या समाधान विकसित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, रोल प्लेइंग में ये तीनों तो इसके बेनिफिट हैं, बट ये इसका एक ड्रॉबैक है कि जो रोल प्लेइंग होगी किसी चीज़ का, अगर आप रोल प्ले करके कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं सीख रहे हैं, तो वो रियल सिचुएशन आपको नहीं देगा। रियल में जब आप चीज़ों को फेस करेंगे वो जरूरी नहीं कि वैसी ही हो। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग का 3P कौन सा है? तो पब्लिक स्पीकिंग का 3P होता है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। पब्लिक स्पीकिंग यानी आपको कहीं एक भाषण देना हो, कहीं बोलना हो पब्लिक के बीच में, तो सबसे पहले आप प्रिपेयर करेंगे किस टॉपिक पे बोलना है, क्या क्या बोलना है, फिर आप उसकी पहले प्रैक्टिस करेंगे घर पे। ठीक है, फिर आप जाके स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। अगर आप डायरेक्ट परफॉर्म करने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, स्पीकिंग में आपकी खराबी आ जाएगी, कुछ कमियां रह जाएंगी। ठीक है, तो 3P इसी को कहते हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज अ डूज फॉर इंटरव्यू इटिकेट। साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें कौन सा है, मतलब इंटरव्यू में आपको क्या करना चाहिए इसमें से। नर्वसनेस, घबराहट तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनफॉर्मल ड्रेस भी आपकी नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिव गेस्चर, अत्यधिक ज़्यादा हाव भाव भी आपको वहाँ नहीं शो करना है। क्या करना है? काम अप्रोच। काम अप्रोच मतलब होता है शांत दृष्टिकोण रखें। क्या रखें? अपना थोड़ा सा शांत। यहाँ क्लैम लिखा है एक्चुअल में, ये काम रहेगा, CALM। क्या रहेगा? CALM, शांत अप्रोच रखें, थोड़ा शांत अपना दृष्टिकोण रखें, और जो आपसे पूछा जाए उसको ध्यान से सुने, फिर उसका आप आंसर करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच वन इज डोंट इन इंटरव्यू इटिकेट। अब यहाँ पे इंटरव्यू शिष्टाचार में या साक्षात्कार शिष्टाचार में कौन सा डोंट है, यानी क्या नहीं करना चाहिए? बी कॉन्फिडेंट, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, सही तरीके से ड्रेसअप रहें, ये भी सही है। प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट बनाएं, ये भी सही है। लाई अबाउट योर एबिलिटीज टू गेट जॉब, अपनी जो एबिलिटी, अपनी जो योग्यता है उसके बारे में लाई यानी झूठ बोल देना, ये आपको इंटरव्यू में नहीं करना है। ये क्या है? डोंट है। ऐसा आप करेंगे तो फिर आपको जॉब हो सकता है ना भी मिले। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज अ बैरियर टू स्पीकिंग। बोलने में कौन सी इसमें बैरियर यानी बाधा है? पुअर लिसनिंग, खराब सुनना, लैक ऑफ टाइम, समय की कमी, नर्वसनेस यानी घबराहट, रिलेक्टेंट टू रीड, पढ़ने के लिए अनिच्छुक। देखिए, बोलने में यहाँ बात हो रही है, तो अगर आप घबराए हुए रहेंगे तो ये एक तरह की बोलने में बाधा है। आप कोई चीज़ बोलेंगे वो आप ठीक से नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप घबराहट में हैं। ठीक है, तो स्पीकिंग बैरियर मतलब, बैरियर मतलब वो होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो आपके बोलने में एक तरह से रुकावट पैदा कर रही हो, तो आपकी जो घबराहट है वो आपके बोलने में एक रुकावट पैदा
करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच वन इज अ डूज इन इंटरव्यू इटिकेट। देखिए फिर से आया कि क्या है इसमें, तो क्वेश्चन कई बार इसी तरीके से यहाँ पे पीडीएफ में भी रिपीट हो गया, इसलिए यहाँ पे रख दिया हमने। अब डूज यहाँ पे क्या है, इसमें डोंट नहीं पूछा, ध्यान देना है, डूज पूछा है। तो पहला क्या है, ड्रेस टू कैजुअली, बहुत लापरवाही के साथ ऐसी पोशाक पहन लेना, अपनी योग्यता के बारे में झूठ बोलना, बी कॉन्फिडेंट, तो ये यहाँ पे डूज है। क्या है, बी कॉन्फिडेंट, यानी यही क्वेश्चन डोंट में आए तो क्या है था, ये सही था। यही क्वेश्चन डूज में आ रहा है तो क्या है, बी कॉन्फिडेंट, अपने आप पे भरोसा रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच वन इज अ गुड कम्युनिकेशन। इसमें कह रहा है कौन सा एक अच्छा कम्युनिकेशन है, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश स्पष्ट और सीधा हो, यही आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन है। जो भी आपका मैसेज हो, किसी तक आपको पहुंचाना हो, वो एकदम सीधा और डायरेक्ट, यानी स्पष्ट और सीधा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज एन ईमेल इटिकेट, ईमेल शिष्टाचार इसमें से कौन सा है। आप कोई ईमेल कर रहे हैं उसमें आप क्या शिष्टाचार का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कीप ईमेल शॉर्ट, ईमेल को छोटा रखें, सेंड वायरस इन्फेक्टेड मेल, वायरस संक्रमित मेल भेज दें, फॉरवर्ड फॉल्स मैसेजेज, झूठा संदेश फॉरवर्ड करें, या यूज ऑल कैप्स और स्मॉल लेटर इन ईमेल, सभी बड़े अक्षर या छोटे अक्षर का प्रयोग करें। तो ईमेल हमेशा क्या रखना चाहिए, छोटा रखना चाहिए, ये आपका एक ईमेल शिष्टाचार है। किसी को आप कोई मैसेज कर रहे हैं, कोई ईमेल कर रहे हैं, तो उसको छोटा एंड शॉर्ट रखें, मतलब छोटे में आप सारी चीज़ें एटलीस्ट बता दें अपनी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज कंसीडर टू बी अ गुड कम्युनिकेशन, इसमें एक अच्छा संचार कौन सा माना जाता है। मैसेज इज एम्बिजियस, यानी संदेश आपका अस्पष्ट है, सेंडर इज पॉजिटिव टुवार्ड्स रिसीवर, जो प्रेषक है रिसीवर के प्रति सकारात्मक है, रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर, प्राप्तकर्ता प्रेषक की सुनता ही नहीं है, या सेंडर अटैक्स रिसीवर, जो प्रेषक है उसने रिसीवर पे ही हमला कर दिया। तो गुड कम्युनिकेशन कौन सा है आपका, सेंडर इज पॉजिटिव टुवार्ड्स रिसीवर, जो प्रेषक है वो रिसीवर के प्रति सकारात्मक रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज कंसीडर टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन आंसर सही से पढ़ेंगे, एक्चुअल में सही से पढ़ेंगे और समझेंगे उसे, तो आप आसानी से सही आंसर इसमें से खुद खोज लेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी इसके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप कोई क्लास ना भी करें, अगर थोड़े से आप अवेयर हैं चीज़ों को लेके, तो आप खुद इसमें बता पाएंगे क्या है। लेकिन अगर आप इग्नोरेंस टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे बहुत स्टूडेंट को हम देखते हैं, बस कुछ भी आया, पढ़ना नहीं, कोई भी ए बी सी डी में से टिक कर देना है, तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें बेकार हैं, ठीक है। यहाँ पे है पुअर कम्युनिकेशन, खराब संचार किसे माना जाता है, तो जहाँ पे आपका मैसेज ही स्पष्ट नहीं होगा वो क्या होगा, एक खराब संदेश माना जाएगा, ठीक है। मैसेज इज नॉट क्लियर ऐसा भी आ सकता है, या मैसेज इज एम्बिजियस यानी अस्पष्ट है, उसमें क्लैरिटी नहीं, करना क्या एक्चुअल में, तो क्या होगा, एक खराब कम्युनिकेशन माना जाएगा। व्हिच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल मतलब हम लोग जो ओरल यानी ओरली यानी बातचीत करके जो कम्युनिकेट कर रहे हैं चीज़ों को, उसमें बेनिफिट, एक कौन सा बेनिफिट नहीं है, तो इसका सबसे एक बेनिफिट ये नहीं होता है, इसका आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ लिखा है इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, एक्चुअल में आप इसका रिकॉर्ड नहीं रख सकते, इसीलिए नॉट अ बेनिफिट। देखिए क्वेश्चन भी समझना होता है, यहाँ क्या कह रहा है, इसका लाभ नहीं है, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। ओरल कम्युनिकेशन, आपने खड़े होकर किसी से चार घंटे बातें कर ली हो, वो क्या रिकॉर्ड के लिए आप उसको रख सकते हैं। लेकिन वही बातें अगर वो किसी ईमेल के माध्यम से, किसी लेटर के माध्यम से, किसी मैसेज के माध्यम से आपको शेयर करेगा, तो वो रिकॉर्ड के लिए आपके पास रहेगा, उस व्यक्ति ने ये चीज़ें हमसे कही थी। ओरल में आप बोल देंगे हाँ हमसे नहीं कहा गया था, ठीक है, तो इसका यही एक बेनिफिट नहीं है, इसको रिकॉर्ड के लिए नहीं रख सकते। बाकी तो ये डायरेक्ट होता है, ये जल्दी होता है, आप सामने तुरंत बोल देते हो, एंड इसमें फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है, सामने वाला जो करता है आपको तुरंत दिख जाता है, अगर वो बोलेगा नहीं करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये तीनों तो इसके बेनिफिट है, बट ये इसका बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट है, व्हिच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग। यहाँ पे कौन सा ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है, तो ट्रिपल ए लिसनिंग जो आपकी होती है उसका हिस्सा एंग्जाइटी नहीं है। एंग्जाइटी जो होती है आपकी चिंता, वो इसका हिस्सा नहीं है। बाकी एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट, ये तीनों आपके क्या हैं, ट्रिपल ए लिसनिंग के हिस्से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट एन आर्टिकल। इसमें से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है। अब आर्टिकल आपका क्या होता है, ए एन एन द, ये आपके आर्टिकल होते हैं, इन आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल आपका नहीं है, ठीक है। ए एन और दी, ये क्या है, आपके आर्टिकल हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस। कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता इसमें से नहीं है, तो कौन सी नहीं है। कमिटमेंट तो है, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस, अनएथिकल वर्क। देखिए सफलता प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट भी चाहिए, इंटीग्रिटी भी चाहिए,
कॉन्फिडेंस भी चाहिए, लेकिन अनएथिकल वर्क यानी अनैतिक कार्य करके आप सफलता पाएं ये कोई यहाँ पे उसकी आवश्यक विशेषता नहीं है। हो सकता है एक टाइम पे आपको लगेगा आपने किसी से चोरी करके, किसी से कुछ लूट करके, कुछ भी करके आपने एक सक्सेस प्राप्त कर ली, लेकिन वो सक्सेस में काउंट नहीं होता है एथिकली, ठीक है, वो एक तरह से आपका फेलियर है। अगर आप ये सारे काम करके अनैतिक कार्य करके आप अगर सक्सेस हो रहे हैं तो वो सक्सेस नहीं कही जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, कौन सा एक सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं, आउटकम नहीं है किसका, पॉजिटिव एटीट्यूड का। जोश, पॉजिटिव एटीट्यूड है तो जोश तो होगा, क्रिएटिविटी भी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी होगा। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बोर्डम यानी उदासी, ये नेगेटिव एटीट्यूड होता है, कुछ भी हो जाए आप उदास पड़े हुए हो, ठीक है, तो वो नेगेटिव एटीट्यूड का आउटकम है ना कि पॉजिटिव एटीट्यूड का। तो नॉट द आउटकम यानी बोर्डम आपका पॉजिटिव एटीट्यूड का आउटकम नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है, फैक्स, पोस्टल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मैसेज थ्रू टीवी। अब आधुनिक का कौन सा है, तो आधुनिक का इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे आप ईमेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ थ्री पीज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इसमें थ्री पी, पब्लिक स्पीकिंग का थ्री पी क्या होता है, अभी हमने बताया था प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, तो पोजेज ये यहाँ पे इसका पब्लिक स्पीकिंग का थ्री पी नहीं है, कौन सा, पोजेज। अगला है, अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है क्या, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, क्या कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी कहा जाता है। नेक्स्ट, एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेसेस रिक्वायर, छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता होती है, तो बड़े पैमाने पर अगर व्यवसाय है तो उसमें क्या आवश्यकता ज़्यादा की होगी, ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, किसकी होगी, ज़्यादा, मोर नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। अगर मोर कैपिटल होता वो भी सही होता, बट यहाँ पे मोर नंबर ऑफ पीपल है ऑप्शन, यानी अधिक संख्या में व्यक्तियों की जरूरत होगी बड़े बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज, उद्यमिता को और किस रूप में जाना जाता है, तो उद्यमिता को ही हम लोग जानते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार के रूप में, ठीक है, आप अपना कोई रोजगार करते हैं उसे ही यहाँ पे उद्यमी कहते हैं, आप अपने काम से खुद डायरेक्ट पैसा अर्न करते हैं। नेक्स्ट है, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन, अब यहाँ पे मीडियम MSME जो होता है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, तो यहाँ पे MSME में अगर मीडियम एंटरप्राइज है तो उसका निवेश कितना तक रहता है, तो उसको हम मीडियम यहाँ पे बोलते हैं मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, तो ये है आपका 5 करोड़ से 10 करोड़, क्या है, 5 करोड़ से 10 करोड़ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज यानी मध्यम विनिर्माण उद्यम बोलेंगे। अगला है, इन SWOT एनालिसिस S स्टैंड्स फॉर, SWOT में S का क्या अर्थ है, तो S का अर्थ होता है आपका स्ट्रेंथ, ठीक है, W का क्या होता है, वीकनेस, O का होता है अपॉर्चुनिटी, T का होता है थ्रेट, जिसमें से वीकनेस एंड थ्रेट आपके हार्मफुल हैं एंड ये आपका अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, किसमें, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, ठीक है, ये इंटरनल ओरिजिन होता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आपका एक्सटर्नल ओरिजिन होता है। इसमें और डिटेल जो क्लास आप देखेंगे उसमें हमने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ, यहाँ आप शॉर्टकट में समझिए, एस का स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का वीकनेस, ओ का अपॉर्चुनिटी, टी का थ्रेट। अगला क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है, तो उद्यमी की भूमिका होती है क्या, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वो क्या करे, सुधार करे, ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है, इन SWOT एनालिसिस व्हिच पेयर इज हेल्पफुल, अभी हमने बताया वहाँ पे हेल्पफुल कौन कौन सा है, तो हेल्पफुल आपका स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी हेल्पफुल है, वीकनेस एंड थ्रेट आपके हेल्पफुल नहीं है, हार्मफुल है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे डिटेल में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा कम्स अंडर, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली एंड इस सब में निवेश जो होता है वो क्या है, उसको यहाँ पे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल, क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी, क्योंकि इन सबको आपने काम पे लगा दिया है,
ठीक है, खर्च कर रहे हैं आप उसे, तो उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। फिक्स कैपिटल होती है जिसको आप फिक्स करके रख दें, ठीक है, वो बाद में आपके किसी काम आए, या आपने कोई ज़मीन ले ली जिस पे आपकी कंपनी बनी हुई है, उसे फिक्स कैपिटल कहते हैं। एक बार लग गई बार बार वो नहीं लगेगी, लेकिन ये वर्किंग कैपिटल क्या होगा, हर महीने आपका हमेशा लगता रहेगा। अगला क्वेश्चन है MSME स्टैंड्स फॉर, MSME का फुल फॉर्म क्या है, MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम या उद्योग। अगला क्वेश्चन है पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। अब यहाँ पे विचार हो आपका, कोई वस्तु हो, सेवा हो, उसको अगर आप पे कर रहे हैं यानी पे करके ले रहे हैं तो क्या कहलाता है, उसे यहाँ पे कहा जाता है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे, एडवर्टीजमेंट कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं। अगला है द एंटरप्राइज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज, अब जो एंटरप्राइज सामान कोई उत्पादित कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, क्या कहते हैं, निर्माण उद्यम या मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। अगला क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ GDP इज, अब GDP क्या होती है, किसी भी देश की GDP जो होती है उसे हम बताते हैं देश कितना आगे जा रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है द एक्सपेंशन ऑफ सीडो, ये भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन बार बार, सीडो का फुल फॉर्म क्या है, सीडो का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या, स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी लघु उद्योग, ठीक है, डेवलपमेंट यानी विकास, ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका क्या है, एक संस्था है कह लीजिए। अगला है व्हाट अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, यहाँ कह रहा है विदेशी बाजारों तक पहुँच प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको फॉरेन मार्केट में अपना एक्सेस गेन करना है तो आपको क्या करना होगा, ज्वाइंट वेंचर बनाना होगा, क्या करना होगा, ज्वाइंट वेंचर बनाना होगा, कोई और कंपनी होगी उसके साथ आप फॉरेन मार्केट को क्या करेंगे, जुड़ के उसके साथ काम करेंगे, तो आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर भी प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हिच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है, तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कौन सा, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट, ठीक है। अगर आपको किसी स्टेटस को डिसाइड करना है, जैसे अभी पीछे हमने बताया ना 5 करोड़ से 10 करोड़ तब मीडियम एंटरप्राइज है, तो वो किसकी है, प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट है, बाकी आपकी कैपिटल महीने में सैलरी में बाकी चीज़ों में कितनी जाती वो नहीं माना जाएगा। प्लांट और मशीनरी में अगर 5 से 10 करोड़ लगा तो मीडियम है, तो वही कह रहा है क्या डिसाइड करता है, तो प्लांट और मशीनरी पे जो पैसा लगता है वो डिसाइड करता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज किस स्टेटस में रहेगा, स्मॉल में, मीडियम में या लार्ज में। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से विपणक मतलब क्या, मार्केटर, ठीक है, ग्राहकों तक पहुँच सकते हैं, तो जो भी मार्केटर हैं वो ग्राहकों तक कैसे पहुँचेंगे, थ्रू इस ग्राफ को देखिए, मैन्युफैक्चरर सबसे पहले, तो मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है चीज़ों को, फिर आती रिटेलर के पास, रिटेलर से फिर उसको कस्टमर्स खरीदते हैं, यानी सबसे पहले निर्माता, फिर खुदरा विक्रेता, फिर कस्टमर तक वो चीज़ पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग, अब इसमें वेब बेस्ड अकाउंटिंग कौन सी है, वेब बेस्ड अकाउंटिंग आपकी होती है टैली, क्या होती है, टैली, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग यूजिंग ATM ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाई कस्टमर्स बाई एंटरिंग, ATM का उपयोग करने के दौरान ग्राहक द्वारा दर्ज करके प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है, तो ATM का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या डाल के अपना बताते हैं, हाँ ये हम ही हैं, ये हमारा ATM है, तो आपको ATM पैसे देता है, वो आपका होता है पिन, क्या होता है, पिन, इस तरह से आपने ATM देखा होगा, ये पिन आपका रहता है जिसको आप एंटर करते हैं तो पता चलता है यस आपका ATM है और पैसा फिर निकलता है। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ ATM इज, ATM का विस्तार क्या है, ATM को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो आपको ऑप्शन मिले वो लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, कम उत्पादकता के कारण क्या होगा, अब कम उत्पादकता हो रही है तो क्या होगा, आपकी पर कैपिटा GDP भी डिक्रीज होगी, ठीक है, प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद है
वो भी कम होगा यहाँ पे, अगर प्रोडक्टिविटी किसी देश में कम हो रही है उस केस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, उत्पादन को अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं, प्रोडक्शन होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। प्रोडक्शन हम किसे कहेंगे, हमने कितना इनपुट दिया तो हमें क्या आउटपुट मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, इसका आपने देख लिया, द प्रोसेस यूज बाई अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ दियर क्लाइंट इज, एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या है। तो ग्राहक की पहचान हम KYC के माध्यम से करते हैं, किससे करते हैं, KYC जिसे कहा जाता है नो योर कस्टमर, ठीक है, बैंक वगैरह में भी आपने देखा होगा कराया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन यानी स्वचालन का लाभ क्या है। तो ऑटोमेशन का लाभ ये है कि जो ऑपरेशन टाइम होता है किसी चीज़ को बनने का, जब चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगती हैं तो वो कम हो जाता है। ऑपरेशन टाइम से मतलब ये होता है कोई प्रोडक्ट आप कुछ भी एक बना रहे हैं उसका टोटल फाइनल प्रोडक्ट वो निकलने में जो समय लगता है उसको ऑपरेशन टाइम बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ पे कम हो जाता है ऑटोमेटिक चीज़ें होने से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ देर आर 125 मिलियन पीपल इन द लेबर फोर्स, 100 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड एंड 25 मिलियन आर नॉट, बेरोजगारी की दर क्या है यदि श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं हैं। तो इसका आपको बेरोजगारी का रेट बताना है, कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। देखिए जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं ना अपना, 100 मिलियन क्या है, रोजगार पा चुके हैं कितने में, 125 मिलियन। अब दो चीज़ हो सकता है, या तो कितने रोजगार पा गए उसका परसेंटेज आप निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद या तो निकाल लो कितने नहीं पाए उसका परसेंटेज निकाल लो टोटल में से। तो अगर इसका निकाले हम तो क्या आएगा, 25% 25 मिलियन को नहीं मिला, कितने में से, 125 मिलियन को इंटू 100 कर दो, 25 × 125 5 × 20 100, 20% रोज यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं, तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेजेज एंड एम्प्लॉयमेंट, कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं लेबर मार्केट, जो लेबर मार्केट होता है वो निर्धारित करता है कि रियल वेजेज क्या मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और रोजगार का, इन सब चीज़ों को श्रम बाजार जो होता है वो निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ होल कंट्री आर रीजन, पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वो होता है आपका GDP, ठीक है। नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क, इसमें से शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं है, प्रॉपर्टी रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, लायबिलिटी रिस्क या पर्सनल रिस्क। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिस्क जो है आपका ये प्योर रिस्क नहीं होता है, ठीक है, प्योर रिस्क की कैटेगरी में ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव, इसमें से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं। इंसेंटिव वो होता है जब आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको उस काम के रूप में एक्स्ट्रा अच्छा काम करने का कुछ प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या नहीं होता है यहाँ पे, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाई आउटपुट या रिड्यूस्ड वेस्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्शन की लागत ही ज़्यादा आ रही है तो उसको ज़्यादा महंगे में बेचना होगा, लोग कम खरीदेंगे, तो फिर आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी रखते हैं, हाई आउटपुट देते हैं, वेस्ट कम करते हैं, तो फिर इंसेंटिव के मतलब ऑब्जेक्टिव इंसेंटिव इन सब चीज़ों का आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ KYC नॉर्म्स, इनमें से कौन सा दस्तावेज KYC मानदंडों को पूरा करने के लिए स्वीकार्य नहीं है, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट। तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है ये KYC में नहीं लग सकता है। 149 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, कौन सी अवस्था तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि है, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज या इंट्रोडक्शन स्टेज। तो जो आपका ग्रोथ स्टेज होता है इसमें आपका रेवेन्यू खूब आता रहता है, ठीक, मैच्योरिटी स्टेज होता है जहाँ एक बार आपका इस्टेब्लिशमेंट वो मैच्योर हो गया, फिर वहाँ से थोड़ा आपका ग्रोथ जो होता है इस तरह हो जाता है, डिक्लाइन स्टेज में ग्रोथ ऐसी गई ऐसे ही फिर गिरने लगी, ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज जहाँ आपने जस्ट शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, ABC ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा में ABC का क्या अर्थ है। तो प्राथमिक चिकित्सा में ABC का अर्थ होता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। क्या होता है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B। एक क्वेश्चन आप सबके लिए बोनस क्वेश्चन के तौर पे, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में सही सही कीजिएगा,
कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है लैन, मैन, वैन या कैन। जो भी सही होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। सुबह आपको क्लास 4 मिल जाएगी 7 बजे चैनल पर। थैंक यू।